जय हिंद दोस्तों। देखिए आपको बता दूं कि चापलूस लोग जो होते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई जानने वाला हो, आपका कोई कंपनी है उसका स्टाफ हो, या फिर आपके दुकान में काम करने वाला हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो जो आपसे ज़्यादा चापलूसी करता है, मीठी मीठी बातें करता है, चाहता है कि आपका क्लोज बन के रहे, आपका मेन बन के रहे, आपका सगा बन के रहे, तो ऐसे चापलूस लोग जो होते हैं वो भविष्य में आपके लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि आप जब गलत करते हैं उसमें भी उसको सही ठहराएगा, सही करते हैं उसको तो सही ठहराएगा ही, मतलब आपको किसी भी हालात में गलत साबित नहीं होने देगा। इससे क्या होगा कि आपके गलत को भी अगर सही ठहराता चला जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती आप करते जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त भी है, कोई रिश्तेदार भी है, कोई जानकार भी है, मैंने बताया कोई भी है, वो आपके गलती पर भी मौन है, आपको डांटता नहीं है, आपकी गलती नहीं बताता है, आपके मुंह पर सही बात नहीं करता है, आपके साथ सिर्फ चापलूसी करता है, तो ऐसे लोगों से आपके सतर्क रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए बता दूं कि आपको अगर तारीफ सुनने का शौक है, अपने बड़प्पन सुनने का शौक है, सिर्फ अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने का शौक है, तो आप समझ लीजिए कि भविष्य में आप कभी तरक्की नहीं करेंगे, कभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप में जो कमी है, आप में जो बुराई है, उस चीज को कभी आप किसी से सुनना पसंद नहीं करेंगे और आप गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत डिसीजन लेते जाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे, या फिर आप छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं और ऐसा शौक पाल के आपने रख रखा है तो फिर वहीं पे आप रह जाएंगे। देखिए चापलूस लोगों से आप अगर घिरे रहेंगे तो फिर होगा क्या कि आपका माइंड काम करना ही बंद कर देगा, आप हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, कॉन्फिडेंस में नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि अरे मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। इसी तरह से आपका दोस्त भी होता है जो चापलूस आपको हर बुरे कमी से, बुरे बातों से, बुरे काम से बचाने के लिए तैयार रहता है, वो आपका अच्छा नहीं कर रहा होता, वो आपको बढ़ावा दे रहा होता है कि तुम करो मैं बचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे करते करते एक बार ऐसी मुसीबत में आप फंस जाते हैं कि वो कहीं नजर नहीं आता है, ना आर्थिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, ना कहीं भी नजर नहीं आएगा, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा वो गया कहां, जब आप बर्बाद हो जाएंगे, विनाश आपका हो जाएगा। जो आपके आपका जो अच्छे पे अच्छे बोले, गलत पे गलत बोले, सही पे सही बोले, आप जैसा काम कर रहे सेम वैसे ही बोले और तब आपकी तारीफ करें वो सही है। ये नहीं कि तारीफ नहीं सुनना चाहिए, तारीफ सुनना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, मैंने ये अच्छा काम किया है, फिर मेरी तारीफ मेरा दोस्त कर रहा है, घर के लोग कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहा है, कोई जानने वाला कर रहा है, समाज का लोग कर रहा है, बेहतर कॉन्फिडेंस में आना चाहिए और अच्छे काम करने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि मैंने ये साला गलत किया है, फिर भी लोग मेरी तारीफ कर रही है, ये फिर भी मुझे बढ़ावा दे रहा है, बोला अच्छा किया है, फिर भी बोला यार करो कुछ नहीं होगा, तो मतलब समझ लीजिए कि वो आपको रास्ते से भटका रहा है, आपको बर्बाद करना चाह रहा है, आपको गलत दिशा में लेके जाना चाह रहा है, आप उसको ये लगता है कहीं आप सक्सेस ना हो जाए, सफल ना हो जाए, अच्छे पोजीशन पे ना चला जाए, इसीलिए वो पहले ही आपके साथ एक तरह से साजिश कर रहा होता है। और आपके लिए यह था कि हमेशा सिर्फ तारीफ के भूखे आप मत रहो, आपका दोस्त है तो उसे क्लियर बोलो कि मैं गलत करूं गलत बोलो ताकि मैं सुधार कर सकूं, सही रहूं तो उतना ही बोलो जितना मैं सही हूं ताकि और इससे बेहतर कर सकूं। दोस्तों मैं समय समय पर आपके लिए लॉ से संबंधित हो गया, बैंकिंग से संबंधित हो गया, इसके अलावा रेलवे से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, बहुत सारे टॉपिक पर आपको वीडियो देता रहता हूं और नॉलेज देता रहता हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।